नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं जी मीडिया। सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा यूनिट ने आने वाले रियासती हुकूमत के बजट से मुतालिक ग्राउंड सर्वे करते हुए एक अहम रिपोर्ट तैयार करके रियासती बजट की हकीकत से वाकिफ करवाते हुए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि बजट में आम आदमी के मफादात का ख्याल रखा जाए, क्योंकि बजट आम आदमी की जिंदगी में और माशी तौर पर एक बहुत ही अहम मामला होता है। इस रिपोर्ट में तालीम, सेहत, ज़िरात, बिलासूदी खर्चेजात और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुछ ज़रूरी मामलात से मुतालिक वज़ीर आला से मुतालबा किया गया है, जिसमें तालीम के लिए कम से कम 30,000 करोड़ रुपये मुख्तस होने चाहिए और दीगर मुतालबात को आइए हम जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्रोफेसर सैयदा सादिया सुल्ताना, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, और अली मिलाही, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी SDPI ने खिताब किया। देखते रहिए जी मीडिया गुलबर्गा। आज गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में SDPI की तरफ से हम एक बहुत ख़ास और बहुत ही अहम इशू के ऊपर एक प्रेस मीट कर रहे हैं। ये इशू जो है वो आपके बजट को लेकर है, कर्नाटका बजट, जो कि आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं बसवराज बोम्मई पेश करने वाले हैं। इस बजट को लेकर SDPI ने ज़मीनी सतह पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जो रिपोर्ट जो है वो बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि मुख्तसर तरीके से लेकिन बहुत जामे तरीके से बनाई गई है। ये बजट रिपोर्ट कन्नड़ा, इंग्लिश और उर्दू तीनों लैंग्वेजेस में प्रिंट की गई है और इसके ऊपर हम आज थोड़ा सा तफसील से बात करेंगे कि हमारी SDPI की क्या डिमांड है इस बजट को लेकर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर से। देखिए, बजट जो है वो आम आदमी के लिए और आम आदमी की ज़िंदगी से रिलेटेड सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट और ख़ास इशू होता है। तो इस रिपोर्ट में जो हमने तैयार किया है सर्वे करके और काफ़ी बेहतरीन तरीके से हमने अपना होमवर्क किया है, हमने इसमें एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंटरेस्ट फ्री लोन और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमने डिमांड में रखी हैं। मैं बात शुरू करूंगी तालीम और एजुकेशन के शोबे से जुड़े हुए कुछ इश्यूज़ के साथ। इस बजट को लेकर हमारी डिमांड है कि कम से कम 30,000 करोड़ रुपए एजुकेशन के या तालीम के इदारे को इशू होने चाहिए इस आने वाले बजट में। और इस 30,000 करोड़ रुपए की जो डिमांड की जा रही है उसमें प्राइमरी से लेके हाई स्कूल तक का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कि वो बिल्डिंग्स भी शामिल हैं जिनकी हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी है, उसके बाद हाइजीन का ख्याल रखते हुए स्पेशली गर्ल्स स्कूल में टॉयलेट वगैरह के इंतज़ाम या जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, उसके बाद रूरल एरियाज़ में मिनिमम कम से कम एक डिग्री कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर होना, ऐसे कॉलेजेस जो माइनॉरिटी के लिए होते हैं जैसे कि हम कहें कि MBBS या इंजीनियरिंग के कॉलेज, इनका एक डिस्ट्रिक्ट में मौजूद होना, उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसको लेकर भी हमने इसमें एक अपनी डिमांड जो है उसको इंक्लूड किया है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम डिमांड करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि ये कतई तौर से इम्प्लीमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है, वो कतई तौर से हमारे सोशल और पॉलिटिकल जो मतलब के हमारा सेक्शन है उसको सूट नहीं होती है। तो ये हमारी कुछ डिमांड जो है तालीम को लेकर है। उसके बाद उर्दू ज़ुबान के फ़रोग के लिए हमारी डिमांड है इस बजट में कि एक उर्दू यूनिवर्सिटी कायम की जाए, जिसके लिए हम चीफ मिनिस्टर से ख़ास क्या कहते हैं कि एक लिमिटेड अमाउंट चाहते हैं जो कम्प्लीटली सिर्फ जो है उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए रखा जाए और उस पैसे को सिर्फ उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए ही यूज़ किया जाए ताकि उर्दू ज़ुबान को फ़रोग मिले। इसके अलावा अमेरिकन मॉडल पर टीपू सुल्तान के नाम से एक एयरोस्पेस और या एरोनॉटिकल एक हम चाहते हैं कि रिसर्च सेंटर कायम हो। इसके अलावा कुछ इस तरह की लेबोरेटरीज़
जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो हमारे डिग्री और पीजी के बच्चों के लिए जो टेक्निकल एजुकेशन हासिल करते हैं, ताकि वो अपने स्किल्स को बढ़ा सकें, एबिलिटी एनहेंस कर सकें। इसके अलावा हमने जो है हेल्थ को लेकर भी इस बजट में एक बहुत ही अहम मुद्दा जो है वो चीफ मिनिस्टर के सामने डिमांड में रखा है कि मुफ्त सेहत की सहूलतें फराहम की जाएं, ख़ास तौर से हमारे रूरल एरियाज़ जो हैं, विलेज एरियाज़ या रिमोट एरियाज़ जो हैं, वहाँ पर एक पॉली क्लिनिक कम से कम हम चाहते हैं कि मौजूद हो। इसके अलावा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की भी हमने इसमें डिमांड रखी है। हर गांव के एक कम से कम पंचायत की हद में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोला जाए। इसके अलावा पसमानदा तबकात के लिए बैकवर्ड कम्युनिटीज़ जो हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब शामिल हैं, या वो कम्युनिटीज़ जो अंडर रिजर्वेशन आती हैं, उनके लिए भी हमने कुछ डिमांड्स रखी हैं कि किस तरीके से उनका सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो सकता है। स्पोर्ट्स की भी एक डिमांड हमारी है कि स्कूलों में इस तरह के या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, प्राइमरी और हायर प्राइमरी जो स्कूल बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें ऐसे ग्राउंड्स होने चाहिए जिसमें जो है बच्चे कम से कम बेसिक लेवल के जो खेल और स्पोर्ट्स होते हैं उनसे इस्तेफादा हासिल कर सकें। इसके अलावा हम चाहते हैं कि ऐसे अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हो, ये भी हमारी एक डिमांड है, जो मतलब के स्पेसिफिक जो भी हमको अमाउंट रिलीज होता है किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उसको उसी डिपार्टमेंट पे खर्च ना करके उसका इस्तेमाल किसी दूसरे डिपार्टमेंट्स में कर देते हैं, या जो कुछ भी पैसा या बजट में जो कुछ भी पैसा रिलीज किया जाता है डिपार्टमेंट्स के नाम पर या स्पेसिफिक फील्ड्स के नाम पर, वो पूरी तरीके से उन पर खर्च नहीं होता है। तो इस तरह के अफसरान के खिलाफ हमारी डिमांड है कि पूरी जांच करके उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का बजट प्लान होकर हमारे सामने आता है, ये तकरीबन ये जो बजट होता है इसमें हर डिपार्टमेंट, हर फील्ड से रिलेटेड, हर शोबे से रिलेटेड जो पैसे गवर्नमेंट की तरफ से बताए जाते हैं, दिए जाते हैं, अगर वो पूरे के पूरे उसी तरीके से उनकी नशोनुमा के लिए खर्च किए जाएं, तो ये काफ़ी हद तक आम लोगों के लिए बेनिफिटेड होगा, उनसे वो इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। लेकिन बीच में जो ये करप्शन आ जाता है, इसकी वजह से तमाम प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो ये कुछ सेहत को लेकर और तालीम को लेकर हमारी डिमांड्स हैं। ये जो बजट है टोटली पूरे स्टेट का बजट है, जो हम लोगों ने तकरीबन एक महीने से इसके ऊपर रिसर्च की, रिसर्च कर इसके ऊपर प्लानिंग करते हुए इसको तैयार किया है। तो इसके अंदर तीन पॉइंट्स तो मैडम बताए हैं, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ कर्नाटक की जो सबसे बड़ी आबादी है कर्नाटक के अंदर, टोटल 7 करोड़ की आबादी के अंदर जहां पर 1 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं और माइनॉरिटीज़ रहते हैं, तो वहां पर हमारा डिमांड हमेशा से है कि 10,000 करोड़ हमारा माइनॉरिटीज़ का बजट होना चाहिए। उसके अलावा ये जो स्कॉलरशिप दी जा रही है प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक मेरिट कम, जिसमें कटौती की गई है, इसको इमीडिएटली रोक कर इसके अंदर डबल स्कॉलरशिप देना चाहिए, और इंटरेस्ट फ्री लोन KMDC जो लोन आता है वो इंटरेस्ट फ्री लोन देना चाहिए और डबल करना चाहिए उसको। और हम लोगों का डिमांड है कि उर्दू यूनिवर्सिटी कायम किया जाए पूरे नॉर्थ ईस्ट कर्नाटका के अंदर, उर्दू यूनिवर्सिटी कायम किया जाए और उर्दू के डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए और उर्दू अकेडमी फॉर्म किया जाए। उसके अलावा कन्नड़ा और उर्दू गवर्नमेंट स्कूल्स को का स्ट्रक्चर सही करें। और उसके अलावा जो जस्टिस सदाशिव कमीशन रिपोर्ट है इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो, और रिलीज कांताराज कमीशन रिपोर्ट इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो, और इसके ऊपर तकरीबन 200 करोड़ से ज़्यादा इसको ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर चर्चा किया गया था, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है, तो इस पर भी काम होने का हम डिमांड करते हैं। उसके अलावा जो आदिवासी हैं, ट्राइबल लोग हैं, उनके लिए अलग से वेलफेयर प्रोग्राम किया जाए। उसके अलावा जो लोकल बॉडी गवर्नमेंट है, आज हम देख सकते हैं कॉरपोरेशन के इलेक्शंस होकर इतने दिन हो गए, एक तो लेट हुआ, उसके बाद मेयर बनाने के लिए इतना टाइम लग रहा है इन लोगों को, और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो उसके अलावा इसके अंदर जो पंचायत है, तालुक पंचायत, म्यूनसिपालिटीज़ वगैरह को, जो लोकल गवर्नमेंट को
जो चीज़ें मिलनी है, जो रिसोर्स, जो टैक्स वगैरह जो लोकल कलेक्ट होता है उसके ऊपर भी सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। तो लोकल बॉडी गवर्नमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है, हमारी ये डिमांड है। उसके अलावा पूरे स्टेट के अंदर हम देखते हैं कि लगातार कम्युनल हारमोनी डिस्टर्ब हो रही है, तो इसके लिए पीस एंड हारमोनी के लिए एक कमेटी फॉर्म किया जाए और उसके लिए 1000 करोड़ रुपीज रिजर्व किया जाए उस बजट को। उस बजट को ये अलग अलग प्रोग्राम्स के ज़रिए से पीस एंड हारमोनी मेंटेन करने के लिए उसके ऊपर काम किया जाए, तो हम समझते हैं कि पूरे स्टेट के अंदर पीस एंड हारमोनी बाकी रहेगा। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम लोग यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट की बड़ी बड़ी बातें की थी सरकार, लेकिन टोटली फेलियर है। जैसा कि आप जानते हैं नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत हमारे स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो उसको हम चाहते हैं कि हर एक घर से एक फैमिली मेंबर गवर्नमेंट ऑफिस गवर्नमेंट में काम करें, और साथ ही साथ इसके लिए जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उन लोगों के लिए अलग अलग स्कीम के ज़रिए से गवर्नमेंट उनको एम्प्लॉय करे, और प्राइवेट सेक्टर में भी उनको रिजर्वेशन, हमारे स्टेट के लोगों को रिजर्वेशन देने की बात करें। उसके अलावा 30% हम लोग प्राइवेट कॉरपोरेट कंपनीज और एनजीओ इकोनॉमिक पुअर जो लोग हैं उन लोगों के लिए यहां पर रिजर्व करें, और साथ ही साथ बैकवर्ड क्लासेस एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए भी 30% रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में दे, ये हमारे डिमांड है। अब जो सरकार फार्मर्स को लोन का जो लोन दी है उसको इमीडिएटली वेव ऑफ करें, लोन जो भी मिला है वो पूरा माफ़ करें, और उसके अलावा जो एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे जो ब्रोकरिंग सिस्टम चल रहा है उसको रोका जाए। उसके अलावा लोन को सिंप्लीफाई किया जाए, अगर कोई अमीर लोन लेने जाता है तो उसको बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन एग्रीकल्चर करने वाले फार्मर्स को नहीं मिलता, और बहुत सारे कंडीशंस लगाकर उनको दिया जाता है। आखिरी में कर्नाटका में ऐसे कई सारे मौत लगातार किसानों की हो रही है, तो इस पर भी हम लोग यहाँ पर डिमांड किए हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग डिमांड किए हैं जिनके पास लैंड नहीं है उन लोगों को 2 एकड़ लैंड सरकार की तरफ से दी जाए, ताकि वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करें जिसके अंदर बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटीज़ रहे, तो इन लोगों को एग्रीकल्चर लैंड दिया जाए। उसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नजगुंडा कमीशन एंड सरोजिनी महिषी कमीशन, इसको भी इम्प्लीमेंट करने की हम सरकार से डिमांड करते हैं। और उसके अलावा राजेंद्र सचार कमीशन की जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको भी डिले करें ना करते हुए इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करें, हम सरकार से ये डिमांड करते हैं।